जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसा सोचने मात्र से आप दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु पा सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए तो आप उसको अपने अंदर खोजें। खजाना आपके भीतर है, बाहर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर वो खजाना है जिससे वस्तुएं तो बहुत ही छोटी चीज है, आप जो चाहो वो पा सकते हो, बशर्ते कि आपकी सोच ऐसी हो जैसी आज हम बताएंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। एक बार एक महिला थी, वो घूमने कहीं बाहर जाने की प्लानिंग थी उसकी, तो उससे पहले वो बाजार गई कुछ सामान खरीदने। तो जब वो एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले पर रखे हुए एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसको किसी के वाक्य याद आए कि कभी भी किसी से नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। अवचेतन मन मतलब आपके भीतर जो परमात्मा की शक्ति है उसी को अवचेतन मन कहा जाता है, अलग अलग नामों से उसी को पुकारा जाता है। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, उसी शाम को वह लड़की अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर उस लड़की ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर का बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन यानी कि परमात्मा की शक्ति तक पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में उस लड़की ने बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी मनचाही चीजें कहाँ मिलेंगी, वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। तो प्यारे भक्तों, अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपके भीतर के खजाने से आपको निश्चित ही मिलेंगी, बशर्ते कि आपका विश्वास पूर्ण हो, आपके विचार सकारात्मक हो, कभी भी नकारात्मक ना बोले कोई भी बात को कि मेरे पास धन नहीं है, मैं इसको खरीद नहीं सकता हूँ, मैं इसको पा नहीं सकता हूँ, तो फिर आप कभी पा ही नहीं सकते, ये निश्चित है। जो भी आपको चीज़ चाहिए उसको पूर्ण रूप से विश्वास के साथ बोलो कि हाँ हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे, ये हमारा हो चुका है, तो निश्चित ही आप दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु को पा सकते हो। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।